हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक कुमार, स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल टेक विद दीपक में। अगर हम क्लाउड कंप्यूटिंग की बात करें तो इसका जन्म करीब सन 1960 के दशकों में हुआ था, जब कंप्यूटर इंडस्ट्री ने कंप्यूटिंग को इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स के आधार पर एक सर्विस आई यूटिलिटी के हिसाब से ग्रहण किया था। लेकिन पहले के कंप्यूटिंग कनेक्टिविटी और बैंडविड्थ दोनों में लैक थी, जिसके चलते कंप्यूटिंग को एक यूटिलिटी के हिसाब से इम्प्लीमेंट कर पाना संभव नहीं था। ये तब तक मुमकिन नहीं था जब तक कि एक बड़े पैमाने पर इंटरनेट बैंडविड्थ की अवेबिलिटी न हो गई सन 1990 तक, जिसके बाद ही कंप्यूटिंग को एक सर्विस के स्वरूप में सोच पाना मुमकिन हुआ। यदि कोई इंटरनेट के माध्यम से कोई सर्विस प्रदान करता है तो उसे क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। ये सर्विस कुछ भी हो सकती है, जैसे कि ऑफ साइट स्टोरेज या कंप्यूटिंग रिसोर्सेज, या यूं कहें तो क्लाउड कंप्यूटिंग एक कंप्यूटिंग की ऐसी स्टाइल है जिससे कि मैसिवली स्केलेबल और फ्लेक्सिबल आईटी रिलेटेड कैपेबिलिटीज को सर्विस के रूप में प्रदान किया जाता है इंटरनेट टेक्नोलॉजी की मदद से। इन सर्विसेज में इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन और स्टोरेज स्पेस जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। इसमें यूजर्स अपने ज़रूरत के हिसाब से सर्विसेज का इस्तेमाल करते हैं और उन्हीं सर्विसेज के पैसे देते हैं जिनकी वो इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए उन्हें खुद के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की ज़रूरत नहीं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो जब भी हम अमेज़न और गूगल की सर्विस का इस्तेमाल करते हैं तब हम अपने सारे डेटा को क्लाउड में स्टोर करते हैं। अगर आप ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तब तो आप इनडायरेक्टली क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का इस्तेमाल करते ही हैं। क्लाउड की बात करें तो ये एक बड़ी इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सर्वर्स की डिज़ाइन है जिसे कि कंप्यूटर रिसोर्सेज को डिलीवर करने के लिए बनाया गया है, और इसमें कोई सटीक लोकेशन का कंसेप्ट ही नहीं है कि डेटा कहाँ से आ रहा है और कहाँ जा रहा है। अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो अगर एक यूज़र इसे इस्तेमाल करे तो उसे लगेगा कि वो एक विशाल निराकार कंप्यूटिंग पावर का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें कि यूज़र अपने ईमेल से लेकर मोबाइल एप्लीकेशन की मैपिंग तक सभी चीज़ें अपने ज़रूरत के हिसाब से कर सकता है। क्लाउड कंप्यूटिंग एक लाइसेंस्ड सर्विस की कलेक्शन है जो कि अलग अलग वेंडर्स के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। YouTube एक बेहतरीन उदाहरण है क्लाउड स्टोरेज का, जो कि करोड़ों यूजर्स के वीडियो फाइल्स को होस्ट करता है। पिकासा और फ्लिकर, जो कि करोड़ों यूजर्स के डिजिटल फोटोग्राफ्स को होस्ट करती है अपने सर्वर में। गूगल डॉक्स, जो कि एक बेहतरीन उदाहरण है क्लाउड कंप्यूटिंग का, जो कि यूजर्स को अपने प्रेजेंटेशंस, वर्ड डॉक्यूमेंट्स और स्प्रेडशीट को अपने डेटा सर्वर में अपलोड करने को अलाउ करता है। इसके साथ उन डॉक्यूमेंट्स को एडिट और पब्लिश करने का भी ऑप्शन देता है। क्लाउड कंप्यूटिंग के भी बहुत प्रकार हैं। आइए जानते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के कुछ टाइप्स के बारे में। प्राइवेट क्लाउड, ये एक ऐसा क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर है जो कि डेडिकेटली किसी एक पर्टिकुलर आईटी ऑर्गेनाइजेशन के सारे एप्लीकेशन को होस्ट करता है, जिससे कि इसका कंप्लीट कंट्रोल डेटा के ऊपर होता है, जिससे कि सिक्योरिटी ब्रीच की संभावना नहीं होती है। पब्लिक क्लाउड, इस प्रकार के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरे सर्विस प्रोवाइडर होस्ट करते हैं और जिन्हें बाद में पब्लिक कर दिया जाता है। ऐसे क्लाउड में यूजर्स का कुछ भी कंट्रोल नहीं होता है और न ही वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों खुद ही अपना क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन करते हैं और बाद में एक्सेस पब्लिक को दे देते हैं। कम्युनिटी क्लाउड, ये एक मल्टी टेनेंट क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिसमें कि क्लाउड को दूसरे आईटी ऑर्गेनाइजेशंस के बीच शेयर किया जाता है। हाइब्रिड क्लाउड, ये कॉम्बिनेशन होती है दो या ज़्यादा विभिन्न प्रकार के क्लाउड्स, प्राइवेट, पब्लिक और कम्युनिटी के, तभी जाकर कहीं हाइब्रिड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जहाँ हर एक क्लाउड एक सिंगल एंटिटी बनकर रहता है लेकिन सभी क्लाउड्स कंबाइन होकर मल्टीपल डिप्लॉयमेंट मॉडल्स तैयार करते हैं, जो कि ये फायदेमंद है। उम्मीद है कि आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी। मिलते हैं कुछ और जानकारियों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।